बैतुल मकदस फतेह हुआ, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया गया था मदीने से कि अमीर मोमिन आप तशरीफ लाइए, यहां ये लोग जो बता रहे हैं आपस जो इनके इनके जो रिवायतें चल रही हैं कि किसके हाथ पे फतह होगा वो आपका हुलिया है और यह किला फतेह नहीं हो रहा है। तो हजरत उमर पहुंचे वहां पर, उन्होंने दूर से अपने किलों में से देखा इनको आते हुए, अपने हुलिये से पहचाना और उन्होंने फिर फौरन वो फाटक खोल दिए, गेट खोल दिए और उनका कि अब हम लड़ नहीं सकेंगे। तो हमारे यहां लिखा हुआ है तय है कि इनके हाथ पे फतेह होगा, तो फिर अपनी जाने खोने से क्या फायदा। बहरहाल वो बैतुल मकदस उन्होंने सरेंडर कर दिया। हजरत उमर एक चर्च में थे, कुछ पादरियों से बात कर रहे थे। अमीरुल मोमिनीन उनके मजहबी लीडरों से बहुत सी चीजों पर गुफ्तगू कर रहे थे। बात मगरिब का वक्त था, मगरिब की मुसलमान अंदर दाखिल हुए थे तो जगह जगह उन्होंने अजानें दी होंगी, वहां मस्जिदें नहीं होंगी तो खुली जगह पर उन्होंने नमाज का इहतमाम किया होगा। अजान मगरिब की हुई तो पादरी ने यह कहा, जब हजरत उमर निकलने लगे वहां से, उनसे कहा कि आप नमाज यहीं अदा कर लीजिए, यही नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते, कहीं और क्यों जा रहे हैं, उनके साथ भी कुछ लोग थे। तो जवाब दिया कि उमर नमाज यहां पढ़ लेता नम। अब ये कैथोलिक पादरी थे, उनकी हजरत ईसा की और हजरत मरियम की मूर्तियां भी लगी हुई थी, तो कहा मैं पढ़ लेता यहां पर। फरमाया कि उमर सिर्फ इसलिए बाहर जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए कि कहीं बात को ये तुम्हारा गिरजा मुसलमान तोड़ नहीं दे और यहां मस्जिद नहीं बना ले कि यहां उमर ने नमाज पढ़ी थी, बाद में आने वाले तुम्हारे गिरजा को नहीं तोड़ दे, इसलिए बाहर जा रहा हूं वरना नमाज यहीं पढ़ता। ये सफाई सुथराई बाकी के मसले की वजह से जो चीज अच्छी नहीं है जिसके साथ में लोग शिर्क करते हैं, ऐसी सब चीजें ऐसी निशानियां न हो और हम नमाज अदा करें, ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन उन मूर्तियों में ऐसी कोई पावर नहीं कि आपकी नमाज खराब कर दें। अगर उनके अंदर ये ताकत हो कि आपकी नमाज खराब कर दें, फिर तो पावर्स हैं उनके अंदर। हम उनसे कहते हैं एक मक्खी तो ये उड़ा नहीं सकती, हो कहेंगे आप नमाज हमारी खराब कर देंगी। क्योंकि उससे शिर्क वाबस्ता है, इसलिए हम साफ सुथरा अपनी जमीन चीजों से जगह को साफ तो कर, लेकिन कहीं अगर दावत हिकमत बस लेते हो तो बजाय इसके पढ़ी जा सकती नहीं, वहां अदा करनी चाहिए बाद मौकों पर। और तुमने कहा कि मैं तो यही पढ़ता, इस वक्त सिर्फ इस वजह से जा रहा हूं कि तुम्हारा आगे गिरजा बाकी रहे, इबादतगाह तुम्हारी नहीं तोड़ दी जाए। एक वाकया मुझे याद आया, गालिबन 1991 की बात है, मैं अहमदाबाद में था, वहां चंद रोज से एक वहां साईं बाबा का ग्रुप था गांधीनगर में, उन्होंने इनवाइट किया कि हमारे यहां आइए आप लोग, 20-25 लोग गए और उन्होंने कहा कि यहां आइए आप, यहां हम आपका, उन्होंने इसके लिए कहा कि आपका जो कुछ आप तकरीर करना, तकरीर है ये है आपका लेक्चर होगा यहां पर, हम अपने यहां कराना चाहते हैं। तो वो साईं बाबा का मंदिर था बहुत बड़ा, उनका मंदिर खाली मंदिर नहीं होता बल्कि और भी कमरे और दूसरी चीजें कमरे भी होते हैं साथ में। तो हम लोग गए वहां उसी साईं बाबा के मंदिर में जहां बहुत बड़ी सी उनकी मूर्ति लगी थी, वहीं लेक्चर हुआ, बहुत तवज्जो से लोग सुन रहे थे और बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, चेहरों से मालूम हुआ। फिर असर की अजान की आवाज आई, यही था कि बस असर तक रखेंगे बात, कुछ क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब की बात भी थी, तो हमने कहा कि अच्छा नमाज पढ़ ले उसके बाद फिर ये होगा, क्वेश्चन आंसर उसके बाद होंगे, लेक्चर हो चुका। उन्होंने कहा नमाज पढ़ने कहां जा रहे हैं, यही पढ़िए ना। तो उस मौके में मैंने कहा अच्छा यही पढ़ लेंगे, हजरत उमर की बात याद थी, हमारे साथ ऐसी मजबूरी नहीं थी कि हम यहां नमाज पढ़ लेंगे तो बात को कोई आके इनका मंदिर तोड़ देगा। तो हमने कहा अच्छा यहां पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं, तो हम आपसे इसलिए कह रहे हैं हम सब लोग देखेंगे आपकी नमाज को
और बहुत दिलचस्पी थी, बहुत शौक से देखना चाह रहे थे वो, बहुत ज्यादा उनके अंदर शौक था, बाक नजर आ रहा था उनकी गुफ्तगू से भी। मैंने कहा यहां पढ़ लेते हैं, जो साथ में थे वो बड़े बेचैन हुए सब। उसमें चार पांच तो वो थे जो काफी अरसे से साथ में थे, बहुत सी चीजें जानते थे, मसाइल इल्म रखते थे, बाकी लोग आ गए थे ऐसे ही साथ में। अब उनके गले से नहीं उतरी कि यहां नमाज कैसे होगी। अब उसमें से पहला छह सात आठ तो आठ दस तो मना करके चले गए कि हम जा रहे हैं भाई नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, नहीं नहीं यहां नहीं पढ़ सकते। झटका लगा वहां लोगों को। बहरहाल तो मैंने कहा अच्छा बाकी लोग तो यहां पर पढ़े, तो अब दूसरे और जो लोग थे उनमें से 10-15 ने कहा साहब अच्छा यहीं पढ़ लेते हैं लेकिन छत पे पढ़ लें, ओपन छत थी, रूफ खुली, बोले हम अभी ऊपर गए थे वो खुली छत है वहां वहां पढ़ लेते हैं। मतलब ये था कि यहां ये मूर्ति इनकी लगी हुई है इतनी बड़ी, यहां पर नमाज कैसे होगी। आखिर हुआ यही कि वो उन्होंने कहा अच्छा हम छत पर इंतजाम करा देते हैं, जब इतनी ज्यादा कुछ तो चले गए बाकी कह रहे हैं छत पर पढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा हम छत पर इंतजाम करा देते हैं। उन्होंने चादरें वगैरह बिछवा दी लेकिन नमाज देखने कोई नहीं आया। बहुत शौक था उनके और कह रहे थे कि हम बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं क्या क्या होता है और कैसे आप लोग नमाज अदा करते हैं, तो कोई नहीं आया। एक इंतजाम उन्होंने कर दिया, ये उनके अखलाक की बात थी जैसे हमने कहा, लेकिन एक ग्रज हुई, एक रिटेलिएशन हुआ अंदर। तो ये एक दावती बहुत अच्छा मौका गया हाथ से। वो मूर्तियां नमाज खराब नहीं कर सकती थी हमारी जो कोई जो लगी है, और अगर हमारी नमाज खराब कर सकती तो फिर सचमुच उनमें पावर है, फिर उन्हें खाली मिट्टी के ना कहें। जो मौके होते हैं बाज, उन बाज मौकों के ऊपर जरूरी हो जाता कि कर लीजिए। बहरहाल आम लोग नहीं जानते मसले को या इन हिकमतों को नहीं समझते, एक बहुत अच्छा मौका हाथ से गया। एक और वाकया है, वो इसी शहर की बात है। यहां आपके शहर में अभी रिटायर हो गए, इनकम टैक्स ऑफिसर से रिटायर हुए, मैं नाम नहीं सिर्फ बता रहा, आप में से ज्यादातर लोग समझ जाएंगे। उस वक्त इंस्पेक्टर थे वो, फिर बाद को इनकम टैक्स ऑफिसर हुए, फिर रिटायर भी हो गए। अब आते थे हमारे चंद प्रोग्रामों में, और तो ये भी 1991 की बात है, 1990-91 की आते थे वहां, बहुत दिलचस्पी से बातें सुनते थे इस्लाम की। एक दफा उनसे उन्होंने मुझसे कहा कि आप मस्जिद में आपके साथ नमाज पढ़ने चलेंगे। मैंने कहा जी चलिए। हमारे उस्ताद मौलाना शमसुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, मैंने उनसे कहा नमाज को मस्जिद में ले जा रहे हैं। 10-12 लोग थे, पूरा शहर हर बात पे मुखालफत करता था, दावत के काम को फितना कहते थे सारे लोग। उन्होंने कहने लगे कि ये वहां इससे ज्यादा गड़बड़ नहीं हो जाए जिस गुडविल के साथ में तुम जा रहे हो, माहौल जो है। तो अब मस्जिद में इनके साथ कोई ऐसी बात हो गई जो जिसके अंदर कहीं दिल ज्यादा दुख जाए तो वो इससे ज्यादा बुरी होगी कि अभी मत जाओ इनको मना कर दो। बहरहाल वो उन्होंने कहा, बस बात उनकी ठीक थी और फिर उस्ताद भी थे, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं करना है, तो नहीं गए हम, टाला उन्हें, टाल के मना कर दिया। थोड़े दिनों के बाद वो ईसाई हो गए और अगले कई सालों में उन्होंने कई मर्तबा मुझसे जता जता कर कहा, ये कई मर्तबा जता जता, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, बहुत मोहब्बत से एहतराम भी करते हैं आज भी, लेकिन बार बार जता जता कर कहा कि आप हमें मस्जिद में नहीं ले गए नमाज पढ़वाने। और पादरी साहब हमारे यहां 1 घंटे पहले आ जाते थे इतवार के दिन के, चलो चर्च में चलो, और हमें खुद लेकर जाते थे और 1 घंटे बैठे रहते थे, बस ये इतना सा अमल था कुल। दुनिया में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है नौ मुस्लिमों की जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, दिल में उनके ईमान आ जाता है, जाहिर नहीं करते, बताते नहीं, वो नमाजों में शरीक होने लगते हैं। अब दुनिया कहे कि ये गैर मुस्लिम है, नमाज में कहते खड़ा हुआ है,
आपका क्या जा रहा है खड़ा है तो? उनके दिलों में ईमान अगर नहीं हो या कुछ रमक नहीं हो किसी भी तरह की तो नहीं खड़े होंगे आकर, वो बाहर खाली सलाम अलैकुम और माशाल्लाह इंशाल्लाह कह लेंगे बस। ये बात उससे कुछ आगे की है जो वो नमाज में खड़े होना चाह रहे हैं, मुंह से अभी नहीं कहना चाह रहे। बहुत बड़ी तादाद दुनिया के अंदर ऐसी है मुसलमानों की, नॉन मुस्लिमों की, जिन्होंने नमाज पहले शुरू की, ईमान का ऐलान बात को किया कुछ अरसे के बाद। अब ये सब इबरत की बातें, हमें मसाइल हमारे मसाइल का हमें इल्म नहीं होने की। हम नमाज उनके यहां जब जरूरत होती, ये बात मौके पड़े जरूरत हुई हमने अदा कर ली। अब बात उल्टी हो रही कि हम अपनी मस्जिद में ला सकते हैं या नहीं ला सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 60 पादरियों को इजाजत दी कि वहां पर इबादत कर ले मस्जिद नबवी में। दुनिया की काबतुल्लाह के बाद, हरम काबा के बाद दुनिया की सबसे मुकद्दस मस्जिद मुसलमानों के लिए पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दस्ते मुबारक, अपने हाथों से ईंटें रखी थी तामीर के अंदर। आलम इस्लाम में जब से नमाज फर्ज हुई उसके बाद वो वहां कुबा में नमाज पढ़ी थी, वहां कोई मस्जिद नहीं बनी थी, लेकिन ये पहली मस्जिद थी जो बाकायदा तामीर होने शुरू थे, दुनिया की पहली मस्जिद इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने के बाद। वहां पर उस मस्जिद के अंदर 60 पादरी आए नजरान से, इधर यमन से, उनसे बातचीत चल रही थी। मस्जिद नबवी में ठहरे, कोई होटल नहीं होते थे, गेस्ट हाउसेस नहीं थे, जितने गैर मुस्लिम कहीं आते थे बात करने तो मस्जिद नबवी में ठहरते थे। बाकी के मसले के एतबार से अगर गलत हो ठहराना, तो यह भी तो हो सकता था कि किसी साहबी के हवाले कर देते, 8-10 लोगों के हवाले कर देते कि भाई इन्हें आप अपने घर ठहरा लो, इन्हें अपने घर ठहरा लो, इन्हें अपने घर ठहरा लो। लेकिन वहां मस्जिद नबी में कयाम होता था, ये उसकी ये तौजीह नहीं है। बात लोग कहते हैं कि साहब और कोई था नहीं, जगह नहीं थी, एक एक दो दो आते थे लोग गैर मुस्लिम, वहीं ठहरते थे, वहीं कयाम करते थे। एक मरतबा तो एक बदवी था, बद्दू, एक ट्राइबल, एक गैर मुस्लिम, वो वहीं पर ठहरा हुआ था, उठा और पेशाब लगा, एक साइड में जाके पेशाब करने लगा। अब ये ऐसे पक्के फ्लोर की जैसी आपके नजर में मस्जिदें होती हैं ऐसी थोड़ी होती थी, कच्चा फर्श, खजूर की छालें पड़ी हुई छत के ऊपर, ये आलिशान मस्जिदें थोड़ी होती थी। वो एक साइड में चला गया वो जाके उसने, और फिर अंदर मस्जिद के वो भी नहीं होते थे कि पेशाब खाने, वे बाहर कहीं निकल के कराएंगे कि जिसको जरूरत होगी, वो वहीं बैठ गया अंदर। दौड़े साहब उसे हाय हाय करते हुए, तो रसूलुल्लाह साहब ने आवाज देकर रोका, अब तो कर ही रहा है ना, धो लेंगे, तकलीफ हो जाएगी इसे बीच में टोकोगे, बीच में उठाओगे तो। पहले जा रहा होता तो कह देते बाहर कर लो, अब बीच में मत टोको, बात को हम धो देंगे जगह को। तो मैं तो ये बता रहा हूं कि वहां ठहरते थे, कयाम करते थे, खाली मिलने नहीं आते थे, मस्जिद देखने नहीं आते थे, मस्जिद में रहते थे, रुकते थे। एक मरतबा ये 60 पादरियों का वफद आया यमन से नजरान से, तो जाहिर है वहीं ठहराया गया। ये जब एक एक दो दो होते थे, इन्हें तो किसी और के घरों में ठहरा सकते थे मेहमान बतौर के, भाई आप इन्हें मेहमान रख लो, इन्हें जिनके यहां गुंजाइश थी उनके यहां ठहरवा देते। 60 को नहीं ठहरा सकते थे, ठीक है, उन 60 को इनको भी बांट सकते थे अगर हराम ही होता और नाजायज होता था। अब उसमें असर की नमाज हुई थी, उस वक्त असर की नमाज के बाद बाहर निकले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने गाउन फॉर्म्स पहने कि उनकी इबादत का वक्त था, सहाबा में बेचैनी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अभी शुरू नहीं हुई थी, शुरू हो जाती फिर जो पेशाब कर रहा था ना, पेशाब कर रहा था, अगर शुरू नहीं कर दिया होता तो उसे कहते बाहर कर लो। दरमियान में नहीं रुका, सहाबा को रोक दिया कि दरमियान में मत टोको, इन्होंने शुरू नहीं की थी नमाज, या अपनी इबादत जो भी थी इनकी, इनका मास जो था। सहाबा में जब ज्यादा बेचैनी हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा करने दो, और उन्होंने मस्जिद नबवी में अपने तरीके से अपनी इबादत की 60 पादरियों ने। आपकी उस मस्जिद के अंदर जो काबतुल्लाह के बाद सबसे मुकद्दस मस्जिद है, इस तक की इजाजत है, जहां आप बुलाई बुला के नहीं पढ़वा रहे हम,
लेकिन आए और वो करना चाह रहे हैं तो कब रहने दो, करने दो, वो आ गए थे। तो दिन में तो हो सकते हैं, अगर ऐसे ही हो कभी मौके पे तेज बारिश हो रही है, वो मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हो, और अगर खाली अगर निराकार की कोई उपासना करने जा रहे हो, इस तरह का कोई ग्रुप हो तो आप परेशानी है, जैसे आपको जगह दी आप भी दे सकते हैं नहीं दे सकते, तस्वुर ही नहीं मुसलमानों में। तो फिर वहां ये बातें होती है कि हमारा रवैया तो अलग है, इनका रवैया अलग है, ये तो बिल्कुल अलग चाहते हैं, सेपरेटिज्म चाहते हैं। हमारे जितने उसूल हैं वाजे हो के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इन उसूलों के ऊपर, लेकिन जितने एडजस्टमेंट दीन ने दिए हैं उनको क्यों बदलते हैं, उनमें सख्ती क्यों पैदा करते हैं, इससे एक अलग ब्रांड बन गए ये। वो दीन जिसमें वसतें थी, जिसमें नरमियां थी, यहां गैर मुस्लिम को तो छोड़िए, मुसलमानों के एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ सकते, यहां तो बात तो गैर मुस्लिमों की इबादत कर लेने की थी, उनकी कोई ऐसी मजबूरी आ जाए आप इजाजत दे सकते, कोई मूर्तियां वर्तियां नहीं रखें लाकर, कोई निराकार के कर रहे थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पादरियों को करने की इजाजत थी, और ये कैथोलिक पादरी थे, हां मूर्तियां नहीं रखी थी उन्होंने, ये प्रोटेस्टेंट पादरी जो होते हैं ये तो मूर्तियां नहीं बनाते हैं, कैथोलिक पादरी बनाते हैं, हजरत ईसा की मूर्ति बनाते हैं और पूजा करते हैं, वहां कोई मूर्तियां नहीं थी, लेकिन ये उनके मुकाबले में ये शिर्क जो जाहिरी शिर्क है वो ज्यादा है कैथोलिक पादरियों में। और अब जो मुल्क के अंदर जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो हालात आ रहे हैं, उसमें तो बहुत जरूरत है कि हम अपनी दीन की गुंजाइशों में रहते हुए दीन की वसतों का इस्तेमाल है, कहीं उसूल से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इल्म होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। या तो सख्तियां ये बना दी है कि मुसलमान मुसलमानों को उठवा के फेंक दे और मस्जिद धोए, तो फिर ये दीन जहां मुसलमान मुसलमान को उठवा के फेंक दे, इनका शिरादा बिखरा हुआ है, इनके साथ यही कुछ हो तो इकट्ठे नहीं होंगे, इनका इतना शिरादा बिखरा हुआ है, बाकी दुनिया में किसी और जगह हो तब तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।